सोरी बात सोरी, अरे क्या कर रहा सोरी, अरे नको ये बोला नहीं दे सोरी, सोरी क्या कर रहा, दो मिनट में रू, ओ मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित तो करने दे। अरे सोरी क्या कर रहा है भाई तू, सोसाइटी के पानी से तू ऐसे भिड़े को नहला रहा है। अरे भिड़े तू भी कमाल है भाई, सेक्रेटरी होकर सोसाइटी में ऐसे ना रहा है, सोसाइटी का कितना पानी वेस्ट हो रहा है। अरे ये मना के वेट लग ले कैसे। ओए पप्पू मैं पानी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पीड़ू को साफ कर रहा हूँ। साफ कर रहा हूँ मतलब हुआ यूं। अच्छा 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 समझ गया। नहीं नहीं फिर भी ये गलत है भाई सोड़ी, सोसाइटी का पानी इस्तेमाल करने के लिए तूने सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन ली थी। अरे पोपटलाल सेक्रेटरी को नहलाने के लिए सेक्रेटरी से परमिशन क्या लेनी। नहीं बराबर है, मतलब वो सेक्रेटरी भले हो लेकिन पानी तो सोसाइटी का है ना भाई। पता है पानी कितना अमूल्य है, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। नहीं पानी का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सोसाइटी में सब ऐसे अपनी मर्जी चलाएंगे तो सोसाइटी का डिसिप्लिन का क्या होगा। अरे अरे पोपटलाल अभी तुम ये टॉपिक निकाल के नया हंगामा मत खड़ा करो भाई। ओए पप्पू मैंने सोसाइटी का पानी बिना परमिशन यूज किया, तुझे बुरा लगा? बहुत बहुत बुरा लगा। तो थोड़ा और बुरा लगा ले। अरे सोरी क्या कर रहा है, अरे सोरी क्या कर रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सोरी, अरे संभाल आगे बंद कर। हां करता करता हूं, बंद कर बंद कर बंद कर, क्या बंद कर बंद कर, अरे क्या कर रहे हो सोरी तुम क्या कर रहे हो। वो दिल खुश कर देता, मजा आ गया क्यों आदि ब्रा। हां हां बिल्कुल, अरे क्या मजा आ गया सोरी, यहां पे मेरे ऑनलाइन क्लासेस है, देर हो रही है मुझे, मैं जा रहा हूं। ओ पिड़ू देरी हो रही है तो गड्डी में छड़ दू। अरे सोड़ी मुझे भी मैरिज ब्यूरो जाना था, ऐसे कैसे जा सकता हूँ, अभी कपड़े बदलने घर जाना पड़ेगा। ओए पप्पू ओ तेनू कपड़े बदलने की लोड़ है, वैसे ही तू बहुत है, मैरिज ब्यूरो पहुंचते पहुंचते तेरे कपड़े अपने आप सूख जाएंगे। क्यों आदि ब्रा बिल्कुल गोगी बड़ा हो गया लेकिन तू बड़ा नहीं हुआ। मजा आया ना। क्या कर रहा है सोड़ी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अच्छा तो पाइप छोड़ और तू मुझे हॉस्पिटल छोड़ दे। तो मजा आ गया, बहुत मजा आया, ओए कार में दे दे पाइप। हंस क्या रही हो माधवी, पहले से जेठा ने दिमाग खराब करके रखा है, तुम और मत करना, ये जेठाल की वजह से हुआ है। और ऊपर से ये सोड़ी मिला मुझे कंपाउंड में, उसने मुझे फिर से नहला दिया शैम्पू के साथ। अभी कपड़े बदल लीजिए जल्दी से, जाइए जाइए। माधवी मैंने चेंज कर लिया है, जल्दी से पोहे लेकर आओ, मेरे क्लासेस का टाइमिंग हो रहा है। पोहे ये क्या है। अरे सॉरी बीड़े अंकल, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं एक्चुअली सोनू को बुलाने आया और सडनली मुझे पोहे की स्मेल आई तो वो मुंह से पोहे ऐसा निकल गया। अरे बोली बेटा माधवी आंटी पोहे आ गए आ गए। पोहे ना मेरे फेवरेट है। तुम्हारा क्या फेवरेट नहीं है गोलिया, पेट पे वड़ा पाव लेके घूम रहे देखो। ओहो अरे बैठ के खा बड़ा। हाँ ये माधवी आंटी बैठने का टाइम नहीं है, पोहे ठंडे हो जाएंगे ना। हलो हलो। अच्छा गोड़ा ये सोनू से क्या काम था। ए गोड़ा क्या काम था भाई, सोनू को बुला रहे थे तुम। अंकल आपने मुझे बचपन में सिखाया ना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, तो भले मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन आपकी सिखाई हुई एक एक बात मुझे आज तक याद है। वो क्या है कितनी बोलते है खाता। वाह माधवी आंटी वाह, अब हर बार आपका पोहे का टेस्ट सेम कैसा रह सकता है, माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक। थैंक यू पप्पा। वाह हां अभी बोलोगे कि सोनू से क्या काम था, उसके क्यों बुला रहे थे। सोनू सोनू अरे कहीं बाहर जा रहे हो क्या। कहां क्लब। क्लब हाउस क्लब हाउस क्लब हाउस आपलं मत इकडे क्लब करायला काय झालं। क्लब मणि और क्लब हाउस क्यों जा रहे हो। बाबा वो क्लब हाउस में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। घर में भी पढ़ाई कर सकते हो ना सोनू।
पढ़ सकते हैं बाबा, लेकिन कभी कभी चेंज ऑफ एयर, चेंज ऑफ प्लेस भी जरूरी होता है। ओहो, तुम आजकल के बच्चों को ये जो चेंज ऑफ एयर, चेंज ऑफ प्लेस चाहिए होता है पढ़ाई के लिए। अरे हमारे जमाने में लैंप पोस्ट पे चढ़ के पढ़ाई करते थे। अरे पूर्णा आइकुन तक है ना, लैंप पोस्ट की रोशनी जो घर में आती थी उसपे पढ़ाई करते थे और बिजली की बचत करते थे। बीड़े अंकल ये तो चीटिंग है ना है? घर पे आपके बिजली होने के बावजूद आप सरकारी बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, चीटिंग है। अभी लेट नहीं हो रहा है तुम्हें? चल सुन। एक मिनट, मिनट तुम्हारी किताबें कहाँ है? बैग में। बैग कहाँ है? घर पे। तो लेकर क्यों नहीं है? ऑब्वियसली ना बीड़े अंकल, मैं पूरा बैग उठा के एक माला चढ़ के आऊंगा। तो वही बैग क्लबहाउस तक कौन लेके जाएगा? नहीं वहाँ तो लेके जाऊंगा ना, लेकिन यहाँ आपके घर पे क्यों लेके आओ? बीड़ंगल आप समझे नहीं, आपके घर से क्लबहाउस जाने के बीच मेरा घर आता है, ऑन द वे पड़ता है ना। बस कितनी बोलते हो यार। बीड़ंगल आप बहुत क्यूट हो, आपके साथ मजाक करने में ना बहुत मजा आता है। चलो बाय बीड़ंगल। चल चल सोनू, नहीं तो पूरा दिन इधर ही टाइम पास कर। चला माझी क्लास ची वेळ झाली। आणि नाश्ता? नाश्ता भी टाइम नाही, बिलकुल बाद में। हा चला चले भाई। गणपती बाप्पा आपसे प्रार्थना है कि आज से मेरे सारे क्लासेस ना निर्विघ्न हो जाए, और बच्चों को सद्बुद्धि देना कि वो पढ़ाई करे, शरारत ना करे। हाँ प्लीज। मेडिटेशन कर लेता हूँ, बहुत जरूरी है। ये क्या, अभी भी सभी बच्चे ऑनलाइन नहीं है? जिया नहीं है, हेत नहीं है, रोहन नहीं है और ईशांत भी नहीं। जिया लेट क्यों हुआ? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। वाटलस माला। सर आज ना नेटवर्क में बहुत बड़ा फॉल्ट था, अभी ठीक हुआ। तो क्लास ज्वाइन करते वक्त ही कैसे होते नेटवर्क में प्रॉब्लम? हेलो सर। हाँ तुम्हारा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ होगा ना रोहन? सर वो तो हेत का होता है। अरे तुम तुम्हारी बात करो, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम, कभी लैपटॉप का प्रॉब्लम, कभी मोबाइल का प्रॉब्लम। तुम लोगों के पास कोई ना कोई रीजन होता ही है लेट ज्वाइन करने का। सॉरी सर। हाँ ईशान आज फिर लेट। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम? नहीं सर, वो एक्चुअली ना पापा की मीटिंग चल रही थी और लैपटॉप उन्हीं के पास था, इसलिए ज्वाइन करने में लेट हो गया सर। अरे तो मोबाइल से लॉगिन कर लेते ना। सर मेरा मोबाइल मेरी बहन के पास था, जैसे ही मैंने लिया वो रोने लग गई। एक से एक बहाने तुम लोगों के पास। नहीं सर मैं बहाना नहीं दे रहा हूँ। तेरा पापा को बोला मुझे बात करनी है। सर प्लीज। मैंने बोला पापा को बुलाओ। ओके सर। पापा एक मिनट, सर बुला रहे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये ईशांत रोज लेट ज्वाइन करता है भाई साहब, और आज भी लेट ज्वाइन किया उसने। बोल रहा था कि पापा की कोई अर्जेंट मीटिंग चल रही थी इसलिए लैपटॉप नहीं मिला। वो क्या है ना सर, आज मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी तो इसलिए लैपटॉप मेरे पास था। सॉरी सर ये मेरी वजह से लेट हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। ओके सर। देखो बच्चों एग्जाम नजदीक आ रही है तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं जानता हूँ बच्चों कि ऑनलाइन क्लासेस में आप बोर हो जाते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी सिचुएशन बदल गई है तो बदलते वक्त को अपनाओ और आगे बढ़ो। सारे प्रॉब्लम, सारी परेशानियों को साइड में रखो और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। यस सर। ओके वेरी गुड, चलो शुरुआत करते हैं। मैंने हिस्ट्री के चैप्टर की रिविजन करने को कही थी तो मैं उसी में से सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है? जिया अभी तुम मुझे बताओ हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने और कब की थी? जिया तुम्हें आंसर पता है कि नहीं? सर वो ठीक से याद नहीं है। हे तुम बताओ। सर वो कुछ शानी शानी था सर, मैंने पढ़ा था पर। अरे इस पर से कब बाहर निकलोगे तुम लोग? हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी दयाराम सहानी जी ने, शानी नहीं सहानी, दयाराम सहानी। हाँ सर मैं वही तो कह रहा था पर ठीक से याद नहीं आ रहा था। पढ़ाई की होती तो याद रहता ना। अच्छा अभी ये बताओ कब की थी वो, याद है? सर मुझे नहीं पता, मैं तब नहीं था। ये कौन सा जवाब है सर,
मुझे तो मेरे फैमिली मेंबर की बर्थ डेट तक याद नहीं रहती, हिस्ट्री की इतनी सारी डेट कहाँ से याद रहेगी। वाह वाह वाह, क्या जवाब दिया है, वाह। और किसी को जवाब पता है इसका? अरे कमल है, तुम लोग की एग्जाम नजदीक आ रही है और ये तुम लोग का रिवीजन है। उसका सही जवाब है 1921। 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोज की थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। अच्छा चलिए अभी ये बताओ, आर्य भारत में कहां से आए थे? सर भारत की आजू बाजू की कंट्री से ही आए होंगे। वाह वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू सर। थैंक यू क्या, थैंक यू शैली, ये कोई जवाब हुआ? भारत के आजू बाजू की कंट्री से आए होंगे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। यस सर, यू आर राइट। राइट सर, अपने अब भी कहा ना तो मुझे बराबर याद आ गया। अरे एग्जाम में मैं नहीं आने वाला याद दिलाने के लिए शैली, तुमको खुद को रखना होगा। अच्छा मानो तुम बताओ, आई होप यू नो दिस आंसर। हाँ सर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी के बाद। विनोद करते, विनोद करते, ठीक से जवाब दो। सर सॉरी सर, याद नहीं है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने। सर हिस्ट्री की पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हुई, आप लिटरेचर के सवाल पूछे ना, लिटरेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर मुझे भी। ठीक है लिटरेचर से सवाल पूछता हूँ। अच्छा रोहन, प्रेमचंद जी के दो उपन्यास का नाम बताओ। सर हाँ सर, वो क्या था? मैं बताऊ? नहीं सर मैं याद कर रहा हूँ, वो हाँ बोलो, वो दो गन। ये वो गन क्या? दो गन, डाकू नहीं थे वो, लेखक थे, लेखक। दो गन मने गोदान और गबन, ये नाम है। बहुत फेमस उपन्यास है वो, उसपे फिल्में भी बनी थी। सर उसमें एक्टर कौन था? अरे यहाँ पे हम लोग लिटरेचर की बात कर रहे हैं, फिल्मों की नहीं। ईशान पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। सर वो तो मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था बस। अरे पहले किताब का तो नॉलेज लो, जनरल नॉलेज बने। अच्छा मानसी, तुम्हें भी लिटरेचर में इंटरेस्ट है ना? यस सर। हाँ तो मुझे इस सवाल का जवाब दो, भोला राम का जीव ये कहानी संग्रह किसने लिखा है? सर भोला राम ने लिखा होगा ना। क्या फालतू जवाब दे रही हो? सॉरी सर, ऐसे ही मुंह से निकल गया। तो सही जवाब क्या है? सर लिटरेचर में मेरा ये सब रिवीजन बाकी है। हरिशंकर परसाई जी ने ये कहानी संग्रह लिखा है। ओके सर, अब मुझे ना बराबर याद रहेगा। भिड़े भाई, हाँ इधर इधर। अरे अब्दुल आओ आओ। भिड़े भाई ये सोसाइटी के कुछ बिल है, जरा चेक कर लीजिए ना। हाँ वही टेबल पे रखो, मैं बाद में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब्दुल अंकल। कौन? मैं ईशांत। अरे हाँ ईशांत, कैसा है तू? अंकल मैं ठीक हूँ, मम्मी ने बोला था घर पे ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक भिजवा देना। ओके। और हाँ अंकल साबुन भी भिजवाना, लेकिन इस बार ना सिर्फ नीम वाला देना। वो आपने जो पिछली बार भेजा था ना मिक्स आंवला और नीम का, वो मत भेजना, उससे आंखें बहुत जलती है। ठीक है ठीक है, और कुछ चाहिए? एग्जिट। अरे क्या है, ताले का है? मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और तुम यहाँ पे ऑर्डर ले रहे हो। अरे भाई वो 3-4 सोसाइटी छोड़कर ये रहता है, मेरा रेगुलर कस्टमर है। तो क्या दुकान पे कोई नहीं है, मैं चलता हूँ। ओके। अरे ईशान तुम ये ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो? सर वो अब्दुल अंकल को देखा ना तो याद आ गया, मम्मी ने ऑर्डर देने कहा था। वाह मम्मी ने जो बोला बराबर याद है, लेकिन पढ़ाई किसी को याद नहीं है। अरे एग्जाम सर पे और किसी ने कोई रिवीजन ही नहीं की। अच्छा दोनों बच्चों, मैं हिस्ट्री के 2 चैप्टर की दोबारा रिवीजन ले रहा हूँ, तो जरा ध्यान देना। अभी ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों, मैंने जो मैथ्स के चैप्टर का होमवर्क दिया था उसको याद कर लेना, मैं आज शाम को ठीक 4 बजे टेस्ट लेने वाला हूँ। नहीं नहीं सर, 4 बजे नहीं, 4 बजे मम्मी की ऑनलाइन किटी पार्टी है। ठीक है तो फिर 5 बजे। हाँ सर 5 बजे मेरे ऑनलाइन डांस क्लासेस होते हैं। अरे ठीक है फिर 6 बजे, और ये फाइनल है, मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करने वाला। आज शाम को ठीक 6 बजे मैं मैथ्स की टेस्ट लेने वाला हूँ, उस वक्त मुझे कोई भी कारण नहीं चाहिए, मैं किसी को भी सवाल पूछूंगा, कर लो ना। तो आज की ये ऑनलाइन क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है अभी आप लीव कर सकते हो।
लेकिन याद रहे से... बोलने की देर थी, सब चले भी गए। अभी आपके पास टाइम है? क्यों, क्या हुआ? और सुबह से कुछ खाया नहीं है आपने, खा लीजिए ना कुछ। माधवी अभी मुझे बीस चेक करने, उसके बाद मैं आज शाम को बच्चों की एग्जाम लेने वाला हूँ, तो उसका मुझे पेपर सेट करना है। भगवान कितनी मेहनत करते हैं आप बच्चों के लिए। तो मेहनत करूंगा ही ना माधवी, एक तो बच्चे ध्यान दे नहीं रहे, पढ़ाई को सीरियसली ले नहीं रहे। आज मैं टेस्ट लेने वाला हूँ उनकी, अगर आज टेस्ट में ठीक से पास नहीं हुए ना तो फिर फाइनल एग्जाम में गए सब। तो मतलब इसके लिए आप मेहनत करेंगे? तो मेहनत के लिए ताकत तो चाहिए, तो ताकत कहाँ से आएगी, खाना खाने से ना। वाह, तो खा लीजिए ना कुछ। और एक काम है। क्या? वो अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, सुख सागर सोसाइटी है ना वहाँ पे, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ तो मैं पहले खाना खाऊंगा, थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। साले हरकत। गुड मॉर्निंग अय्यर। गुड मॉर्निंग आत्माराम। ऑफिस जा रहे हो? हाँ चलो छोड़ देता हूँ। अरे नहीं थैंक यू, मैंने कैब बुक किया है, बस आता ही होगा। अच्छा ठीक है चलो मिलते हैं। अरे आत्माराम एक मिनट, एक काम है। हाँ बोलो। कल रात को मैं ऑफिस से आ रहा था ना, तो गार्डन का एक ट्यूबलाइट वो बंद चालू हो रहा था, तो उसको चेंज करवा देना। क्या अय्यर भाई, आप भी छोटी छोटी बातों के लिए भिड़े को बोलते हो? भाई आप भी कमिटी मेंबर हो, आप ट्यूबलाइट रिपेयर करवा लो। अच्छा बबड़ालाल तुम कमेटी मेंबर नहीं हो? हूं ना। जब हमारे विंग में बल्ब खराब हो गया था, तुमने भी तो आत्माराम को बोला था, और कितना हंगामा किया तो करके। तो फिर तुम भी तो वो बल्ब चेंज करवा सकते थे ना। बिल्कुल करवा सकता था, लेकिन क्या है ना, मुझे ये भिड़े की चिक चिक पसंद नहीं। तो एक बार आप करा लो, फिर बाद में बोलेगा बल्ब कहाँ से लिया, कितने में लिया, भाव कम क्यों नहीं करवाया, चार्ज का पूछा था या नहीं पूछा था। तुम लोग चर्चा करो, मैं निकलता हूँ। अरे रुको रुको भिड़े, कहाँ जा रहे हो? मैं सुख सागर सोसाइटी जा रहा हूँ पोपटलाल, मुझे अर्जेंट डिलीवरी करनी है। हा? अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक मिनट। अरे ओ ओ भाई, ओ तुम कहाँ आ रहे हो? अरे क्या है ना, वो सुख सागर सोसाइटी के पास में मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ पे मुझे छोटा सा काम है, तो चलते हैं दोनों भाई साथ में जाएंगे। साथ में आएंगे? साथ में आएंगे मतलब? अरे भाई मुझे फटाफट डिलीवरी करके वापस आना है, मेरे ऑनलाइन क्लासेस है अभी। अरे भाई भिड़े, दो मिनट का काम है, मुझे सिर्फ रिन्यूअल फॉर्म देना है भाई, टाइम वेस्ट नहीं होगा। चल 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 चल। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे अब्दुल। हाँ भिड़े भाई। जरा इलेक्ट्रिशियन को बुला के रखना, सोसाइटी में काम है। हाँ हाँ भिड़े भाई। और हाँ वो श्याम भाई को मत बुलाना, प्रकाश भाई को बुलाना, श्याम भाई बहुत महंगे है। ओके भिड़े भाई, अभी बुलाओ। नहीं नहीं अभी नहीं, हम जरा बाहर जाके आते, आधे घंटे बाद बुलाना। हा? हाँ भिड़े भाई, मैं प्रकाश भाई को बुला कर रखता हूँ, लेकिन आप भी टाइम पे आ जाना, क्योंकि प्रकाश टाइम का पक्का है। हाँ सुना ना भाई, टाइम पे आना है, मैरिज ब्यूरो में ज्यादा टाइम मत लगाना। अरे भाई यहाँ से निकलेंगे तभी टाइम पे वापस आएंगे ना भाई, चलो चलो आते जाके आते। आते बुला लेना। भिड़े, ओ भिड़े, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस टेंशन में लग रहा है, बात क्या है? अरे बच्चों की एग्जाम सर पे है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे भाई बच्चों का ऐसा ही होता है, पूरा साल मस्ती करते हैं और फिर एग्जाम के पहले पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। दोस्तों हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े एक साथ तीन तीन मोर्चे संभालते हैं भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी हैं, बच्चों के शिक्षक हैं और अचार पापड़ का बिजनेस, लेकिन हर मोर्चे पे डट कर खड़े रहते हैं। और इस वक्त भिड़े ऑलरेडी पहले से परेशान है और साथ में पोपटलाल और शांति, उनका संबंध क्या हो सकता है? जैसे एक मायान में दो तलवार नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह जहाँ पोपटलाल में शांति हो ही नहीं सकती, और अब भिड़े पोपटलाल के साथ जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या भिड़े वक्त पे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच गए तो क्या बच्चों की क्लास ले पाएंगे, और क्लास ली तो क्या शरारती बच्चों को संभाल पाएंगे? वही सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब लिखते हैं हंसी में, जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.